नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। आज डॉक्टरों की हड़ताल, कई अस्पतालों में ओपीडी रहेंगे बंद। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग आयोजित करने में हर बार हो रही देरी के खिलाफ डॉक्टरों के कई संगठनों ने देश भर में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 27 नवंबर से पूरे देश में हड़ताल करने की अपील की है। फॉडा ने अपनी घोषणा में देश भर के डॉक्टरों को शनिवार से ओपीडी सेवाओं से दूर रहने के लिए कहा है। डॉक्टरों के एसोसिएशन नीट पीजी काउंसलिंग से हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं। फॉडा की ओर से कहा गया है कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ओप मेडिकल काउंसलिंग समिति की अधिसूचनाओं के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। तमिलनाडु इस महीने 172 लोगों की मौत, 2 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश ने कस्बों को बर्बाद कर दिया है। गांव तबाह हो गए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा अधिकारियों ने 2 दिसंबर तक दक्षिण भारत में और बारिश होने की चेतावनी भी दी है। नवंबर से अब तक 5 दक्षिणी राज्यों में 172 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। इसके बाद केरल में 48, आंध्र प्रदेश में 44 और कर्नाटक में 12 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में हालात इतने खराब है कि लोगों को खाना स्टॉक करके रखना पड़ रहा है। किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाओं पर फिर शुरू हुई लामबंदी, आज मोर्चा की बैठक। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार की हामी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। 1 साल पूरा होने पर शुक्रवार को जहां सीमाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए तो एमएसपी की गारंटी, प्रदूषण संबंधी कानूनों के तहत किसानों पर जुर्माना न करने और बिजली संशोधन अधिनियमों को खारिज करने सहित तमाम मांगों पर किसानों का संघर्ष जारी है। 29 नवंबर को प्रस्तावित किसानों के संसद कूच समेत किसान आंदोलन से जुड़े सभी फैसले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक में किए जाने की उम्मीद है। पहले से किसानों ने 29 को संसद कूच के तहत शीतकालीन सत्र के दौरान रोजाना 500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की घोषणा की थी। दिल्ली और फरीदाबाद में प्रदूषण से हालत गंभीर, AQI 386 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR की मंद पड़ी हवाएं एक बार फिर जहरीली हो गई हैं। 24 घंटे में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया। फरीदाबाद की हवा भी इसी श्रेणी में रही। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद व गुरुग्राम का प्रदूषण बेहद खराब स्तर के उच्चतम श्रेणी में था। प्रदूषण पर काम करने वाली एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा की चाल में मामूली इजाफा होने से प्रदूषण घटेगा, लेकिन वह बेहद खराब ही बना रहेगा। सफर के अनुसार आज सवेरे दिल्ली का AQI 386 दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली की सतह पर चलने वाली हवाओं की दिशा पूर्वी थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शुक्रवार को कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि किसानों के उत्पाद को कोई दूसरा नहीं खरीदता है तो सरकार पर ऐसा करने का दबाव बनेगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन अब MSP कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। किसानों की ओर से MSP कानून की मांग को लेकर जब खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के भी अलग अलग विचार है, इस पर कानून बनाना संभव नहीं लगता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।